Vielleicht mit dem. Hä? Vielleicht mit dem nicht. इन्हों हैं साहब। ये बैग मेरा घूम गया था ऑटो में। ऑटो साहब फिर वापस लेके आए जी मेरे को ये ऑटो वाले साहब। क्या क्या था इलेक्ट्रॉनिक्स हैबिट्स में? डॉक्यूमेंट्स क्या क्या था बोलो? पूरा चेकबुक मेरा 60,000 कैश है इसमें। मेरा पूरा LIC का डॉक्यूमेंट्स है सब है इसमें। वापस ला के दिए पूरा। बोला आपका नाम बोलो। मेरा मोहम्मद फजीर है। कहाँ रहते आप? चारघाट। चारघाट पे आप रहते पूरा लेके आगे डॉक्यूमेंट के साथ पंजाब ऑफिस में। सर मैं यहाँ TV खरीदने के लिए आया था। सोनी TV बजाज इलेक्ट्रॉनिक हैबिट्स में जी रामकृष्ण थिएटर के सामने जी। हमारा बच्चे बैग भूल गए जी और बैग में 60,000 रुपये है, चेकबुक है, मेरा डॉक्यूमेंट्स है, LIC पॉलिसी इसका पूर है, पूरा मेरा लाइफ का सर्टिफिकेट पूरा उसमें है। बोलो तो लाइफ का सर्टिफिकेट बोल दो, इंश्योरेंस पॉलिसी पूरा, वो सर्वाइवल बेनिफिट आया बोल के LIC ऑफिस पर आके ऐसे TV खरीदने के लिए आया था। TV खरीदा मैं। ऑटो ड्राइवर साहब आइए सर। ये ऑटो ड्राइवर साहब मस्जिद बाग तक चले गए हैबिट्स में छोड़ के जी, फिर वापस बैग लेके दे के गए उन्होंने। आपका नाम सर? मोहम्मद कदीर मेरा नाम। कहाँ रहते साहब? चारघाट पर। चारघाट पर रहते हैं। इन्होंने कहाँ की सवारी बात कर रहे थे आपसे? गाड़ी वाले से लिया था जी। आप बिल्कुल बोल रहे थे ड्राइवर छोड़ वाला जी। बैग भूल गया जी। मैं बशीरबाग जाने पर देखा बैग। क्या बैग में क्या था साहब? कुछ मैं तो कुछ नहीं था, खाली खोल के देखा डॉक्यूमेंट्स थे जी। रिटर्न आ गया। रिटर्न कहाँ पे आया? सीधा बजाज के रूम पे आ गया। किससे कॉन्टेक्ट किया आगे? आगे बाहर से कार्ड थे मैनेजर साहब। क्यों ना तो मतलब एक पैसेंजर को छोड़ा था भाई बैग तो पर गई हमारे भाई जरा आया जी। ऑटो में नहीं बैठे थे मेरे साथ। फिर आपको प्रॉपर्टी ओनर से कैसा मालूम है? जो प्रॉपर्टी जिसकी थी पहचान है पहचान थी। साथ में बाहर देखा तो आ के बैग पर लेके आके दे दिए जी। बैग में क्या क्या था सब? वो बैग में मेरा इंश्योरेंस का पेपर है जी, मेरा सर्टिफिकेट जी, पूरा सर्वाइवल बेनिफिट्स वाना आने का था LIC के 48 ब्रांच के LIC ऑफिस में जी। वो इसलिए मैं आया, उसमें 60,000 रुपये कैश भी था। 60,000 कैश था और कुछ फोन्स मोबाइल कुछ नहीं। मोबाइल अच्छा। पर था जो मैं था पूरा जो भी है। अच्छा पैसा था, चेक बुक्स था, पासबुक है, बैंक से आज ही कैश ड्रा करके लेके आया हम। पैसा था वैसे ला के दिया ईमानदारी साहब। ये देखो TV भी ले लिया मैं अभी, वो पैसा गए तो मैं TV नहीं खरीद सकता था ये साहब की वजह से। आज आप TV खरीदे, आप इनको क्या कहना चाहेंगे? अभी घर को ले जाके हम घर में हमारा मिसेज का हमें इनको गुलफशी करेंगे हम जी जी जी। मुबारक खदीर साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने इनका सामान इनको वापस दिया, अल्लाह आपको और कामयाबी दे। आपकी ऐसी ईमानदारी अल्लाह हर एक को नसीब करे। ऐसा लोग है बोल के दुनिया चल रही है। बराबर शुक्रिया साहब हमारी फ्लैश मीडिया से बात करने के। My word. मैनेजर